हेलो दोस्तों, मैं तारिक सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीटॉपर में। सो फ्रेंड्स, ऐसे छात्र जो यूपी डीएलएड के फॉर्म फिलअप करने में किसी कारणवश वंचित रह गए थे या उनका फॉर्म फिल नहीं हो पाया, आधा अधूरा अटक गया, फाइनल सबमिट नहीं हो पाया और अब डीएलएड फॉर्म फिलअप होने के आवेदन तिथि के बढ़ने के इंतजार में अगर आप लोग थे, तो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी खबर लेकर आए हो, बिल्कुल गुड न्यूज़ है। तो सभी लोग इस बात पर इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरे दोस्त आपको डीएलएड की हर एक सेमेस्टर की यहाँ पर इस चैनल पर क्लासेस मिलेगी बिल्कुल फ्री में। बस आपको करना क्या है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखना है। जैसे ही आप लोगों का एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, हमारे चैनल पर बिल्कुल फ्री में सारे सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएगी, यानी फर्स्ट सेमेस्टर की बिल्कुल फ्री में क्लासेस कराई जाएगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। बिल्कुल जो भी गुड न्यूज निकल के आ रही है पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं, यहां तक साथ ही साथ में 12th पास वालों को भी मौका दिया जाने की बात की गई है, तो पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। सभी लोग वीडियो को फटाफट लाइक कर दो। आते हैं खबर पर दोस्तों, और सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि यहां पर आप सबको पता है कि जो यूपी डीएलएड की फॉर्म फिलअप की रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट थी वो मेरे दोस्त 9 अक्टूबर थी। ठीक है, कितनी तारीख थी? 9 अक्टूबर थी। जबकि रियलिटी ये है, आप सबको पता होगा, कमेंट में जरूर बताना, कि जो वेबसाइट है इनकी वो 4 अक्टूबर से ही प्रॉपर वर्क करना बंद कर दिया था। नहीं, 4 अक्टूबर से ही लगभग साइट जो है वो क्रैश होने लगी थी, साइट में बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगी थी, बहुत सारे लोगों का फोटो सिग्नेचर अपलोड नहीं हो रहा था, अपलोड हो भी जा रहा था तो वाइट हो जा रहा था, बहुत सारे लोगों का सेशन एक्सपायर हो रहा था, एक्सेस डिनाइड हो रहा था, इसके साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स का पेमेंट नहीं हो पा रहा था, पेमेंट हो जा रहा था तो बैंक से कट जा रहा था, बट फॉर्म अपडेट नहीं हो रहा था, फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं हो रहा था, ऐसी तमाम समस्याएं 4 से 5 अक्टूबर के बीच से ही स्टार्ट हो गया था। लगातार हमारे द्वारा वीडियो बनाया गया, लगातार मेल किया गया, आप लोगों के द्वारा कॉमेंट किया गया कि सर ये प्रॉब्लम चल रही है, पीएनपी को भी बताया गया, लेकिन पीएनपी के कानों में जू तक नहीं रहेंगे, बिल्कुल कोई अपडेट नहीं किया, ना वेबसाइट सही किया और ना फॉर्म की तिथि बढ़ाई रजिस्ट्रेशन की। ठीक है, और आप सबको यह भी पता है कि जिन्होंने 9 अक्टूबर तक किसी तरीके से रजिस्ट्रेशन कर दिया था उनको 12 अक्टूबर तक मौका दिया गया था फॉर्म को फाइनल सबमिट करने का और फाइनल प्रिंट निकालने का। ठीक है, तो यह डेट थी, लेकिन साइट में कोई तब्दीली नहीं होती, साइट बिल्कुल नहीं चल रही थी, अभी तक बच्चों का आधा अधूरा फॉर्म अटका पड़ा है, किसी का सबमिट नहीं हो पाया, किसी का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हो पाया, किसी का पेमेंट हो गया बट फाइनल सबमिट नहीं हुआ, ऐसी तमाम समस्याएं अभी भी बची हुई हैं, जिन हजारों छात्रों का फॉर्म आधा अधूरा अटका हुआ है। हालांकि आपका फॉर्म फिल हो गया है या फिर कहीं आधा अधूरा अटका है, हमें कॉमेंट में जरूर बताना क्या समस्या आ रही थी आपके फॉर्म में, प्लीज आप लोग कॉमेंट करिए ताकि हमें भी पता चले कि क्या प्रॉब्लम एग्जैक्टली है अभी। ठीक है, अभी देखिए एलिजिबिलिटी को लेकर भी एक बात, आप सबको पता है कि जो यूपी डीएलएड की एलिजिबिलिटी थी, सबसे पहले तो था कि यूपी के कैंडिडेट ही, केवल यूपी के कैंडिडेट ही पहले कर पाते थे डीएलएड, केवल यूपी के कैंडिडेट एलिजिबल थे, ऊपर से वो ग्रेजुएट हों, ठीक है, यानी कि ग्रेजुएशन का उनका मार्कशीट वगैरह आ गया हो, ठीक है, मार्कशीट वगैरह आ गया हो, नंबर वगैरह मिल गया हो, उनको ग्रेजुएट हो। ठीक है, अभी क्या किया गया, इस बार अदर स्टेट को भी मौका दिया गया, ठीक है, इस बार यूपी डीएलएड करने का अदर स्टेट को भी मौका दिया गया, और इसी के चलते 30 तारीख को, अभी मैं पूरी जानकारी देता हूं, 30 तारीख को कोर्ट ने एक आदेश जारी किया कि 12th पास वाले भी को मौका दिया जाए डीएलएड में। अब उसी को लेकर यहां पर खबर निकल के आई जो बिल्कुल आप सभी के लिए गुड न्यूज है, आप लोग देख सकते हैं आज की न्यूज़पेपर है, डीएलएड की काउंसलिंग पर संकट, पूरी जानकारी मिलेगी तो आप खुश हो जाओगे, जिनका फॉर्म नहीं फिलअप हुआ है वो लोग भैया जो इंतजार में है डीएलएड का फॉर्म भरने का, देख सकते हैं प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक भर्ती के लिए अनिवार्य डिप्लोमा इन एलिमेंट्री यानी डीएलएड की 2,33,350 सीटों पर प्रवेश के लिए फिलहाल काउंसलिंग पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो गई है, इस बार 3,14,370 अभ्यर्थी ने पंजीकरण कराया, जिसमें 2,79,245 ने फीस जमा की और 2,78,783 अभ्यर्थियों ने आवेदन की सारी औपचारिकताएं पूरी की। अब आप लोग देख सकते हो कि डिफरेंस कितना है, यहां पर देख सकते हो कितने बच्चों का अधूरा फॉर्म है, यहीं से पता चल जाएगा इनको पता चलना चाहिए था। देखो रजिस्ट्रेशन कितने अभ्यर्थियों ने किया, 3,14,370 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा यहां पर दिखाया गया, और फाइनल सबमिशन का देखो आंकड़ा क्या दिखा रहा है, 2,78,000, यानी करीब करीब 50,000 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका फॉर्म अटक गया बीच में, रजिस्ट्रेशन किया लेकिन फीस वगैरह नहीं जमा कर पाए, फाइनल सबमिट नहीं कर पाए। तो क्या ये डाटा उनको नहीं दिखा कि इसका मतलब साइट नहीं चल रहा था, इतने ज्यादा बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया और फाइनल प्रिंट
फाइनल फीस कितने जमा किया? 2,78,000 जमा किया। तो 50,000 स्टूडेंट्स की क्या समस्या थी जिन्होंने फीस नहीं जमा कर पाए? तो यहीं से पता चला है कि हजारों छात्र ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया बट आगे का प्रोसेस नहीं हो पाया, फोटो नहीं अपलोड हो पाया या फिर पेमेंट नहीं हो पाया, अटक गया। अब आगे पढ़िए, एक चीज तो ये मैंने डाटा देख के बताया। अब देखो यहां पर देख सकते हैं औपचारिकता पूरी की। शासनादेश के अनुसार आवेदकों की मेरिट के आधार पर स्टेट रैंक 16 अक्टूबर को जारी होनी चाहिए, यानी कल 16 अक्टूबर को मेरिट रैंक जारी होने की तिथि है, ठीक है। और 17 से 30 अक्टूबर तक प्रथम चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग प्रस्तावित है। हालांकि हाई कोर्ट, यहां से ध्यान दीजिएगा, हालांकि हाई कोर्ट ने 30 सितंबर को 12वीं पास अभ्यर्थी को भी प्रवेश में मौका दिए जाने के आदेश दिए हैं। फॉर्म फिलअप कब से स्टार्ट हुआ? 18 सितंबर से स्टार्ट हुआ और एक केस चल रहा था कोर्ट में जिसमें 30 सितंबर को एक आदेश आया कोर्ट की तरफ से कि 12वीं पास को भी मौका दिया जाए डीएलएड में प्रवेश के लिए दिया जाना चाहिए। अब तक बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से इस आदेश के खिलाफ डबल बेंच में अपील नहीं हुई है। ऐसे में स्टेट रैंक जारी करना या काउंसलिंग करना हाई कोर्ट के आदेश की अवमानना होगा, यानी अवहेलना करना होगा। ऐसे में फिलहाल बुधवार को रैंक जारी होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। अब मैं आपको निचोड़ बताता हूं इसका क्या है। मेरे दोस्त, 18 सितंबर से फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद 18 सितंबर से स्टार्ट हुआ और जब फॉर्म आया तो इन्होंने केवल ये चेंज किया कि यूपी के साथ साथ अदर स्टेट को भी मौका दिया, ठीक है, नोटिफिकेशन नहीं मेंशन किया। लेकिन 30 तारीख को एक कोर्ट का आदेश आता है 30 सितंबर को कि यूपी डीएलएड में ऐसे स्टूडेंट को भी मौका दिया जाए जिन्होंने 12th कंप्लीट कर लिया है, 12th पास हो गए हैं, ठीक है, उनको भी मौका दिया जाए। लेकिन पीएनपी ने इस पर कोई गौर नहीं फरमाया, फॉर्म में अपडेट ही नहीं किया, 12th वालों को मौका ही नहीं दिया। फॉर्म फिलअप होता रहा लेकिन 12th वाले इंतजार करते रहे कि अब हमें भी मौका मिलेगा, लेकिन 12th वालों के लिए ऑप्शन ही नहीं दिया गया और ना ही फॉर्म फिलअप में बदलाव किया गया कि 12th वाले भी भर सकते हैं। यानी कि पूरी पूरी तरीके से कोर्ट के आदेश को अनदेखा कर दिया, कोर्ट के आदेश को नहीं माना पीएनपी ने। अभी यहां पर जानकारी निकल के ये आ रही है कि कोर्ट के आदेश न मानने की वजह से ये जो काउंसलिंग प्रक्रिया है ये अटक सकती है। 16 अक्टूबर को मुश्किल है कि ये काउंसलिंग करा, यानी रैंक जारी कर पाए, क्योंकि इनको 12th वालों को मौका देना होगा कोर्ट के आदेश के, वरना कोर्ट ऑफ कंडक्ट हो जाएगा, कोर्ट का आदेश मानना होगा। और अब दोस्तों पूरी पूरी आसार लग रही है कि अगर 12th वालों को इन्होंने मौका नहीं दिया तो भैया मामला चला जाएगा कोर्ट में, तो इनको 12th को मौका देना ही पड़ेगा। और 12th को मौका देने का मतलब यह हुआ कि वेबसाइट रीओपन करना पड़ेगा इनको, ठीक है, वेबसाइट को रीओपन करना पड़ेगा। अब देखो वेबसाइट रीओपन करने से दो फायदे हैं, एक फायदा एक नुकसान है आप लोगों को। रीओपन होगा तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनका फॉर्म नहीं भर पाया था, अटक गया था, वो फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन रीओपन होगा तो 12th वाले भी तो भर सकते हैं, तो जब 12th वाले भरेंगे तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। ये जो 2,00,000 दिख रहे हैं भर चुके हैं फॉर्म, ये चला जाएगा लगभग 5,00,000 प्लस फॉर्म हो जाएंगे भैया, ये मान के चलो कॉम्पिटिशन बहुत हाई हो जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट सीट तो भूल जाना, कम अंक करूँ आपके, ठीक है। तो ये चीज़ है, बिल्कुल उम्मीद नज़र आ रही है कि कोर्ट का आदेश मानना पड़ेगा और इनको दोबारा से फॉर्म यानी वेबसाइट को रीओपन करना पड़ेगा। आप क्या चाहते हैं कमेंट करके हमें बताएं, क्या फॉर्म के लिए जो वेबसाइट है उसको रीओपन किया जाए, 12th वालों को मौका दिया जाना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट में लिख के बताएं। क्योंकि अगर 12th वालों को मौका दिया गया तो बस कल या परसों के बीच में आपका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और वेबसाइट फिर से रीओपन की जाएगी। और जब रीओपन होगा तो हमें लगता है कि सभी को मौका दिया जाएगा, 12th के साथ साथ जो फॉर्म नहीं भर पाए थे, रजिस्ट्रेशन हो गया था या फिर से रजिस्ट्रेशन भी करने को मौका मिलेगा। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करो और सपोर्ट करो, कमेंट करो ज्यादा से ज्यादा कि वेबसाइट रीओपन होनी चाहिए, 12th वालों को मौका मिलना चाहिए या जिनका फॉर्म नहीं भर गया उनको दोबारा मौका मिलना चाहिए फॉर्म को कंप्लीट करने का। और हमारे साथ जुड़े रहे, जो भी अपडेट निकल के आएगी पल पल की अपडेट मैं आपको देता रहूंगा। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लो, जैसे ही डेट बढ़ाई जाएगी या वेबसाइट रीओपन होगी फटाक से मैं आपको स्टोरी पर अपडेट दे दूंगा, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना कि सर ये फॉर्म समस्या आ रही है, मेरी फॉर्म यहां पर अटका हुआ है, फॉर्म कैसे भरें, जो भी ऑप्शन होगा वो मैं आप सभी को बताऊंगा। तो इंस्टाग्राम पर जरूर मुझे फॉलो करके मैसेज कर लो, जो भी अपडेट होगी आपको बताई जाएगी। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो भैया, फॉर्म फिलअप में पूरी हेल्प मिलेगी हमारे चैनल के माध्यम से। इसके साथ साथ आपको डीएलएड की तैयारी यानी डीएलएड की पढ़ाई में भी आपको हर एक सेमेस्टर की हमारी क्लासेस देखने को मिलेगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखें ताकि जो भी अपडेट आए, जो भी क्लासेस चले, आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टाइम टू टाइम मिलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को एंड तक देखने के लिए, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। धन्यवाद।